एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। आज हम चैप्टर नंबर 2 डिस्कस करेंगे जो कि हमारी बॉडी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट यू कैन से दैट पार्ट्स हैं, टिश्यूज। बेसिकली अगर हम टिश्यूज़ की बात करें तो टिश्यूज़ की जो आप डेफिनेशन इसको एक्सप्लेन करेंगे वो ये है, अ कलेक्शन ऑफ सेल्स एंड एसोसिएटेड इंटरसेलुलर मटीरियल स्पेशलाइज फॉर अ पर्टिकुलर फंक्शन। मतलब कि टिश्यू जो है वो बेसिकली मुख्तलिफ इकसाम के सेल जिनका फंक्शन सेम है वो एक दूसरे के साथ मिलेंगे। उसके अलावा इंटरसेलुलर मटीरियल्स जो कि एक स्पेसिफिक फंक्शन करेंगे, जिस तरह के हमारे कार्डियक टिश्यूज़ हैं जिनमें कि हमारा आपका आ जाते हैं एपिथेलियल टिश्यूज़, ठीक है। तो इनका एक सेलेक्टिव फंक्शन होता है, पर्टिकुलर फंक्शन। अगर हम लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, जिस तरह के आपको पता है कि पहले सब मॉलिक्यूलर लेवल आता है जिसमें कि आपका आपके मॉलिक्यूल्स कंबाइन करते हैं, एटम्स कंबाइन करते हैं, मॉलिक्यूल बनता है। मॉलिक्यूल से आगे आपकी, इसको स्किप करके हम अगर नेक्स्ट लेवल पे आएँ तो ऑर्गेनेल्स बनती हैं। ऑर्गेनेल्स एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगी तो एक सेल बनाएंगे। सेल बेसिकली कंबाइन करेंगे जो परफॉर्म करते हैं सेम फंक्शन, तो वो बना देंगे टिश्यूज़ बेसिकली। सो अब अगर टाइप्स की बात की जाए तो नंबर 1 है कनेक्टिव टिश्यू, ठीक। उसके बाद कनेक्टिव टिश्यू का बेसिकली काम ये है कि डिफरेंट ऑर्गन्स इन एन ऑर्गन सिस्टम, इनको एक दूसरे के साथ कंबाइन करना। सेकंड 1 है एपिथेलियल टिश्यूज़। एपिथेलियल टिश्यूज़ बेसिकली अपर मोस्ट लेयर ऑफ योर बॉडी, ठीक, किसी भी ऑर्गन की अपर लेयर्स, और जो बॉडी की जिस तरह आप स्किन की बात करें तो इनमें भी एपिथेलियल टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद जो इसकी 3rd टाइप है वो है मस्कुलर टिश्यूज़। बेसिकली हमारे जो बॉडी के मसल्स हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं। द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नर्वस टिश्यूज़। नर्वस टिश्यूज़ इसका नाम जिस तरह इंडिकेट कर रहा है कि ये बेसिकली वो टिश्यूज़ हैं जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम या इन शॉर्ट नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं। ये जो डायग्राम्स हैं, 4 डायग्राम्स, ये हमें 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ जो कि हमारी बॉडी में पाए जाते हैं उनके बारे में बताते हैं। कि नंबर 1 जो है कनेक्टिव टिश्यू, वो ये ऐसे दिखते हैं, ठीक। मतलब कि इनका न्यूक्लियस जो है वो हमें प्रोमिनेंट नज़र आ रहा है इनमें, ठीक। नंबर 2 है एपिथेलियल टिश्यूज़। एपिथेलियल टिश्यूज़ बेसिकली देख रहे हैं कि इनका भी न्यूक्लियस हमें प्रोमिनेंट टाइप नज़र आ रहा है, बट इनकी शेप में बहुत डिफरेंस है। देन आता है मसल टिशू। मसल टिशू बेसिकली इसमें आप देख सकते हैं कि हमें इनका जो न्यूक्लियस है वो हमें डिफ्रेंशिएटेड एज सच नहीं फील होगा। एंड द लास्ट 1 जो है ये नर्वस टिशू। नर्वस सिस्टम में आप टिशू में आप देख सकते हैं कि ये हमें बेसिकली डायग्राम ऑफ न्यूरॉन्स है। आप इसमें ये न्यूरॉन्स देख सकते हैं, ठीक। ये इसके डेंड्राइट्स हैं, ठीक हो गया। और ये सारा इसका सेल बॉडी है, ये इसका न्यूक्लियस है। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं द फर्स्ट टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज़। जिन कनेक्टिव टिश्यू को अगर हम बाय वर्ड डिफाइन करें तो ये वो टिश्यूज़ हैं कि जिनमें रिलेटिवली फ्यू नंबर ऑफ सेल्स होते हैं, ठीक है। कि आपको पता है टिश्यूज़ बनते ही किस तरह है सेल्स के मिलने से। तो जो कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं इनके अंदर रिलेटिवली फ्यू नंबर ऑफ सेल्स होते हैं, बट इनका जो इंटरसेलुलर सब्सटेंस है कि सेल के अंदर जो सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू एपिथेलियल टिश्यूज़। एपिथेलियल टिश्यूज़ में बेसिकली लार्ज नंबर ऑफ सेल्स होते हैं और इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस बहुत कम होते हैं। जैसा कि आपने डायग्राम में भी देखा पीछे कि इनकी जो है कनेक्टिव टिश्यू, इनमें सेल्स तो थोड़े कम होंगे, ठीक, बट इनका इंटरसेलुलर मटेरियल एज कम्पेयर टू एपिथेलियल टिश्यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। देन अब इनके स्ट्रक्चर की बात करते हैं हम, तो बेसिकली इनका जो है वो 3 कंपोनेंट्स पे, कनेक्टिव टिश्यू 3 कंपोनेंट्स पे मुश्तमिल होते हैं। नंबर 1 इनमें सेल्स होते हैं, नंबर 2 इनमें फाइबर्स होता है, और
नंबर थ्री जो है इसमें वो होता है ग्राउंड सब्सटेंस। अब इनकी डिस्क्रिप्शन हम आगे नेक्स्ट आने वाले पोर्शन में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। उससे पहले अगर हम बात करें तो कनेक्टिव टिश्यू में जो हमने पीछे तीन इसके कंपोनेंट्स का जिक्र किया है, फाइबर्स और ग्राउंड सब्सटेंस को जब हम कंबाइन करेंगे एक दूसरे के साथ तो वो जो है आगे जाके बनाएंगे एक मैट्रिक्स बना देंगे, ठीक है, जो कि आपका कनेक्टिव टिश्यू मैट्रिक्स कहलाता है। उसके बाद अगर बात की जाए सबसे पहले कनेक्टिव टिश्यू सेल्स की, कनेक्टिव टिश्यू सेल्स बेसिकली हमारी बॉडी में काफ़ी टाइप्स के पाए जाते हैं, ठीक है, इनकी काफ़ी ज़्यादा टाइप्स हैं हमारी बॉडी में। इसमें बेसिकली आते हैं फाइब्रोब्लास्ट, हिस्टियोसाइट्स, प्लाज्मा सेल, मास सेल, ठीक है, ये जो हैं ये बेसिकली कॉमन टाइप्स ऑफ ये जो है सेल्स हैं, ठीक है। अब इनकी अगर एक्सप्लेनेशन दी जाए तो ये जो बेसिकली हमारे पास एग्जांपल्स दी हुई हैं कॉमन टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज की, तो बेसिकली अगर इसको हम एक्सप्लेन किया जाए कि जो सबसे पहले हमारे पास कॉमन टाइप ऑफ सेल जो कि एक कनेक्टिव टिश्यू में पाया जाता है वो होता है फिब्रोब्लास्ट। फिब्रोब्लास्ट जो है ये बेसिकली एक सेल है कनेक्टिव टिश्यू में जो कि कोलेजन को प्रोड्यूस करता है, और हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि जो कोलेजन है वो एक प्रोटीन है, ठीक। अब ये प्रोटीन पाई कहाँ पे जाती है, ये कोलेजन बेसिकली आपकी स्किन में प्रेजेंट होती है, ठीक है, उसके अलावा आपके नेल्स में प्रेजेंट होती है, हेयर में कोलेजन प्रोटीन प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो बेसिकली फिब्रोब्लास्ट का काम क्या है कि ये एक तो कोलेजन प्रोड्यूस करे एंड नंबर टू ये अदर फाइबर्स को भी सिंथेसाइज या उसमें हेल्प करता है उसकी सिंथेसिस में। सेकंड वन इज कॉमन टाइप ऑफ सेल्स इन कनेक्टिव टिश्यू इज हिस्टियोसाइट। हिस्टियोसाइट जो है ये स्टेशनरी फैगोसाइटिक सेल है, ठीक है, जो कि कनेक्टिव टिश्यू के अंदर प्रेजेंट होता है। इसका काम क्या है कि ये फैगोसाइटोसिस करता है, ठीक है, तो इसका बेसिकली मेन काम जो है हिस्टियोसाइट का वो है फेगोसाइटोसिस, एज इसका नाम जो है इंडिकेट करता है कि ये फेगोसाइटिक सेल है, ठीक है, जो कि प्रेजेंट होता है कनेक्टिव टिश्यू में। जो थर्ड टाइप है वो है प्लाज्मा सेल्स। प्लाज्मा सेल्स बेसिकली फुली डिफ्रेंशिएटेड बी लिम्फोसाइट होते हैं विच प्रोड्यूस सिंगल टाइप ऑफ एंटीबॉडी, कि इनका काम क्या है कि ये एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है मास सेल्स। मास सेल्स का बेसिकली काम क्या है, मास सेल्स प्रोड्यूस करते हैं हिस्टामिन। अब इसका काम आता है, इम्पॉर्टेंट फंक्शन आता है इन एलर्जिक रिएक्शंस के, जब भी बॉडी में कोई भी एलर्जिक रिएक्शंस हो तो मास सेल्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, हिस्टामिन, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस होती है। इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस होगी, रेडनेस आएगी स्किन के ऊपर, अगर किसी को चोट लगे या कोई मक्खी, शहद की मक्खी या इस तरह की कोई चीज़ आपको काटे तो आपकी बॉडी जो है इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स शो करेगी, जिसकी वजह से वो एरिया स्वेलन हो जाएगा, सूज जाएगा, रेड हो जाएगा, वहाँ से हीट निकलेगी। वो किस वजह से है कि ये मास सेल्स वहाँ से हिस्टामिन रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्स शो करती है। और जो लास्ट टाइप ऑफ कॉमन सेल्स जो है फैट सेल्स आते हैं, इसको दूसरा नाम है एडिपोस टिश्यूज या एडिपोस सेल्स, मतलब एडिपोस सेल्स मिलेंगे तो वो एडिपोस टिश्यू बना देंगे, ठीक है। इनका काम क्या है कि ये फैट को स्टोर करते हैं हमारी बॉडी में, अंडरलाइंग द के जो हमारा एब्डोमेन है वहाँ पे ये ज़्यादा होते हैं, जहाँ पे ये स्टोर करते हैं फैट्स को, या एडिपोस टिश्यू। लास्ट टाइप इसकी होती है एक वांडरिंग सेल्स भी हमारे जो कनेक्टिव टिश्यू सेल्स में प्रेजेंट हो। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये जो सेल है ये है हमारा फिब्रोब्लास्ट, उसके बाद ये है मास सेल। मास सेल का जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था इसका काम क्या था कि ये जो है हिस्टामिन को रिलीज करवाता है। ये हमारा जो सेल है ये है मैक्रोफेज या फिर इसका दूसरा नाम है हिस्टियोसाइट, जो कि फेगोसाइटोसिस में हेल्प करता है। ये एडिपोस सेल है, एडिपोस सेल जो कि फैट को स्टोर करता है, और ये हमारा है प्लाज्मा सेल, जिसका काम क्या है कि ये बी लिम्फोसाइट, मैच्योर बी लिम्फोसाइट है,
जो कि एंटीबॉडी प्रोडक्शन में हेल्प करता है। बेसिकली ये है मेच्योर होके एंटीबॉडी बनता है। कनेक्टिव टिश्यू सेल्स के बाद जो सेकंड हमने कंपोनेंट पढ़ा था कि जो कनेक्टिव टिश्यूज़ में होते हैं वो हैं कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स। अब फाइबर्स की जो कनेक्टिव टिश्यू में टाइप्स हैं वो तीन किस्म के हमें कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स मिलते हैं, जिनमें सबसे पहले आता है आपका कोलेजन फाइबर। कोलेजन फाइबर्स जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि ये जो है ये कोलेजन फाइबर बेसिकली प्रोटीन है जिसके फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं इन कनेक्टिव टिश्यू। जो सेकंड आपकी जो टाइप है कनेक्टिव टिश्यू फाइबर की वो है रेटिकुलर फाइबर्स। रेटिकुलर फाइबर्स बेसिकली इसका दूसरा नाम है रेटिक्यूलिन। रेटिक्यूलिन ये कंपोज होता है टाइप 3 कोलेजन को कोलेजन से बना होता है जो कि रेटिकुलर सेल्स इसको सिक्रीट करते हैं। अब रेटिकुलर फाइबर्स जो है ना एक दूसरे के साथ क्रॉस लिंक करेंगे, ठीक है, क्रॉस लिंक करेंगे तो क्रॉस लिंकिंग की वजह से ये एक मेश वर्क बना देंगे, मतलब ये एक जाली टाइप बना देंगे जो कि कनेक्टिव टिश्यू में कनेक्टिव टिश्यू की मेश वर्क बेसिकली फ्रेम वर्क में ये हेल्प करेगा। उसके बाद जो हमारी थर्ड टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स है इसमें आता है इलास्टिक फाइबर्स। इलास्टिक फाइबर्स जो है ना ये इनको दूसरा नाम है येलो फाइबर्स, ठीक है। इन ये क्या है कि ये बंडल ऑफ प्रोटीन्स है जो कि इलास्टिन प्रोटीन इनमें प्रेजेंट होती है। अब ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के सेल के बाहर जो मैट्रिक्स है उनमें जो है इलास्टिन प्रोटीन कनेक्टिव टिश्यू का ये फिब्रोब्लास्ट और स्मूथ मसल्स इन आर्टरीज से बनाते हैं। दीज फाइबर्स जो है कैन स्ट्रेच अप टू 1.5 times ऑफ देयर इनिशियल लेंथ, कि अगर इनकी लेंथ जो 1.5 है मीन्स टू से 1.5 सेंटीमीटर कह लें तो ये इसका 1.5 टाइम्स ज़्यादा अपनी लेंथ को स्ट्रेच कर सकते हैं एज देयर नेम इंडिकेट्स, के इनका नेम इंडिकेट कर रहा है कि ये इलास्टिक फाइबर्स हैं बेसिकली। अब इनका जो प्रोपोर्शन है ना इन तीनों टाइप्स का वो डिफरेंट टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू में डिफरेंट होंगी, कि अगर कोई कनेक्टिव टिश्यू की टाइप अगर है तो कनेक्टिव टिश्यू की डिफरेंट टाइप्स में ये डिफरेंट प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होंगे। जो हमारा थर्ड पार्ट है जैसा हमने पहले डिस्कस किया था कि ये कॉम्पोनेंट्स होते हैं कनेक्टिव टिश्यू के, जो हमारा थर्ड पार्ट है वो है ग्राउंड सब्सटेंसेस ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। इनमें जो इनकी कॉम्पोजिशन को किया जाए अगर स्टडी तो ये तीन चीज़ों से बने होते हैं, प्रोटियोग्लाइकेंस, ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड वाटर एंड सॉल्ट्स। प्रोटियोग्लाइकेंस बेसिकली ये हैं मैक्रोमोलिकुलर प्रोटीन्स, मींस के मैक्रोमोलिकुलर प्रोटीन्स जिनका मोलिकुलर वेट जो है वो हाई हो, ठीक है, प्लस पॉलीसेकेराइड कॉम्प्लेक्स के। पॉलीसेकेराइड जिस तरह आप जानते हैं कि ये एक कार्बोहाइड्रेट्स है, कॉम्प्लेक्स लार्ज कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक, और मैक्रोमोलेकुलर प्रोटीन्स ये दोनों मिलेंगे प्रोटियोग्लाइकेंस मिलेंगे। अब जिस तरह इनका नेम इंडिकेट करता है कि प्रोटीन और ग्लाइकेंस मतलब कार्बोहाइड्रेट्स इनके साथ मिलेंगे, ठीक है, बट पॉलीसेकेराइड। ग्लाइकोप्रोटीन्स में ये है कि ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज एंड प्रोटीन्स, दीज आर द कम्बिनेशन सेकेंड मोस्ट ग्लाइकोप्रोटीन्स मीन्स कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स मिलेंगे तो ग्लाइकोप्रोटीन्स बना देंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इसमें आता है वाटर एंड सॉल्ट्स। प्रोटियोग्लाइकेंस और ग्लाइकोप्रोटीन्स को अगर आप डीपली स्टडी करें तो इनमें वेरियस लोकेशंस में प्रेजेंट होते हैं हमारे प्रोटियोग्लाइकेंस। बेसिकली इसमें जिस तरह आप देख रहे हैं कुंड्राइटिन सल्फेट ये बोन्स में प्रेजेंट होता है, केराटिन सल्फेट ये जो है हमारा प्रोटीन है केराटिन जो कि हेयर में प्रेजेंट होता है, देन हेपरिन सल्फेट, ये हेपरिन बेसिकली एक एंटी कोगुलेंट है जो कि एक प्रोटियोग्लाइकेन भी है। तो ये बेसिकली डिफरेंट टाइप्स ये एग्जांपल्स हैं प्रोटियोग्लाइकेंस की, जिसमें हाइलुरोनिक एसिड आता है, कुंड्राइटिन सल्फेट आता है, कुंड्राइटिन सल्फेट सी आता है,
डर्मेटैन सल्फेट आता है, कैरेटिन सल्फेट आता है और हेपरिन सल्फेट आता है। सेकंड जो हमारा ग्लाइकोप्रोटीन्स है, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि ये कंपोज होते हैं प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। अब प्रोटियोग्लाइकन और ग्लाइकोप्रोटीन्स में डिफरेंस क्या है कि प्रोटियो ग्लाइकोप्रोटीन्स में जो प्रोटीन मॉइटी मतलब प्रोटीन मॉलिक्यूल या प्रोटीन पोर्शन जो है वो प्रीडोमिनेट्स है, मतलब कि प्रोटीन की अमाउंट ज़्यादा है ग्लाइकोप्रोटीन्स में एज कम्पेयर टू प्रोटियोग्लाइकन्स। सेकेंड टाइप ऑफ जो हमारे टिश्यूज़ हैं उनमें आता है एपिथीलियल टिश्यूज़। अब एपिथीलियल टिश्यूज़, जिस तरह मैंने स्टार्ट में आपसे बात की है कि एपिथीलियल टिश्यूज़ बॉडी की जो सबसे ज़्यादा मतलब कवरिंग है, आउटर कवरिंग ऑफ द बॉडी, ठीक है, उसमें ये ज़्यादा पाए जाते हैं। उसके अलावा लाइनिंग ऑफ कैविटीज़ एंड ट्यूब्स, मतलब हमारी बॉडी कैविटीज़ जो हैं उनमें और जो हमारी बॉडी की ट्यूब्स हैं, फॉर एग्जांपल इसोफेगस, इंटेस्टाइन्स, इन सब में एपिथीलियल टिश्यूज़ ज़्यादा पाया जाता है। नंबर थर्ड ग्लैंड, ग्लैंड्स में ये ज़्यादा पाए जाते हैं। अब जिस तरह हमने पढ़ा है कि गॉल ब्लैडर में ये प्रेजेंट होते हैं एपिथीलियल टिश्यूज, स्टमक में भी एपिथीलियल टिश्यूज़ क्लियर होती है, तो बेसिकली ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इन द बॉडी फंक्शन, इन बॉडी प्रोटेक्शन बेसिकली, कि हमारी बॉडी के एवरी आप कह लें कि काफ़ी टाइप्स के या ऑलमोस्ट इन एवरी ऑर्गन और यू कैन से दैट इन कैविटी और इन ट्यूब वी फाइंड एपिथीलियल टिश्यूज़। अब इनका फंक्शन जो है, बेसिकली इनका फंक्शन क्या है कि ये अंडरलाइंग स्ट्रक्चर, ये बेसिकली आउटर मोस्ट कवरिंग बनाते हैं, ठीक है। तो इनके नीचे जो टिश्यूज़ प्रेजेंट होंगे ना, ये उनको मॉइस्ट रखेंगे, उनको डिहाइड्रेशन से प्रेजेंट प्रोटेक्ट करेंगे। केमिकल डैमेज के बॉडी के ऊपर अगर कोई केमिकल गिरा, ठीक है, तो ये उससे प्रिवेंट करेंगे, बॉडी को प्रोटेक्ट करेंगे। और थर्ड मैकेनिकल डैमेज के, कोई मैकेनिकल स्ट्रेंथ या मैकेनिकल फोर्स लगी है बॉडी को, तो ये उससे भी प्रिवेंट करेंगे या प्रोटेक्ट करेंगे हमारी बॉडी को। उसके बाद ये सिक्रीशन करते हैं, ठीक है, सिक्रीशन ऑफ वेरियस आप फ्लूइड्स कह सकते हैं बॉडी के, एंड देन इसका काम है एब्जॉर्प्शन। बेसिकली इनमें स्ट्राइएशंस होती हैं, इनमें आप कह लें पोर्स टाइप थिंग होती है, जहाँ से जो डिफरेंट मटेरियल है वो एब्जॉर्ब होते हैं इनटू द बॉडी। अब अगर हम बात करें ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, जिसमें आपकी ऑइंटमेंट्स और क्रीम्स वगैरह आ जाती हैं, उनको बॉडी के ऊपर अप्लाई करते हैं, तो वो बॉडी की स्किन के ऊपर एप्लीकेशन क्या है कि स्किन में प्रेजेंट है एपिथीलियल टिश्यूज़, तो वहाँ से जो है इजीली आपकी क्रीम, ऑइंटमेंट, लोशंस, ये सारे बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। अब अगर हम एपिथीलियल टिश्यूज़ की बात करें तो इसकी दो टाइप्स होती हैं, सिंपल एपिथीलियल टिश्यूज़ और स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियल टिश्यूज़। अब इन दोनों को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है सिंपल एपिथीलियल टिश्यूज़। अब इनके अंदर जो है ना सिंगल लेयर ऑफ आइडेंटिकल सेल्स, के सेल्स जो हैं वो एक दूसरे के आइडेंटिकल होंगे, ठीक है। इसकी फोर टाइप्स हैं, वो बेसिकली ये फोर टाइप्स में डिवाइड होता है, और इसकी जो है ये एब्जॉर्प्टिव या सिक्रेटरी सर्फेसिस पे प्रेजेंट होता है, जिस तरह के मैंने आपको पहले बताया कि एपिथीलियल का काम है, एपिथीलियल टिश्यूज़ का काम है एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन। तो बेसिकली ये जो सर्फेसिस एब्जॉर्ब करती हैं या सिक्रीशन करती हैं, तो ये उन सर्फेसिस पे सिंपल एपिथीलियल प्रेजेंट होता है। सेकेंड जो टाइप है वो है स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम। जिस तरह हमने पढ़ा कि सिंपल एपिथीलियम की तो सिंगल लेयर है, बट स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम की काफ़ी ज़्यादा लेयर्स हैं, ठीक है, और इनकी शेप भी एक दूसरे से वेरी करती है। इनका मेन फंक्शन जो है वो है प्रोटेक्शन, कि ये बॉडी की प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं बेसिकली। तो जो सिंपल एपिथीलियम है उनका काम है एब्जॉर्प्शन, जिस तरह हमने तीन फंक्शंस पहले पढ़े थे कि इनका है, एक फंक्शन है एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन, ये दोनों फंक्शन कौन परफॉर्म करता है, सिंपल एपिथीलियम, और सेकेंड इनका फंक्शन है, थर्ड इनका फंक्शन है प्रोटेक्शन। तो प्रोटेक्शन जो है वो बेसिकली स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम जो है वो प्रोटेक्शन के फ़राइज़ सरंजाम देता है। डायग्रामेटिकली अगर बात की जाए
तो सिंपल एपिथीलियम कुछ ऐसा होता है कि जिस तरह हमने बात की थी कि ये सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होते हैं, ठीक है, सिंगल लेयर ऑफ आइडेंटिकल सेल्स। तो आप ये देख सकते हैं कि ये सिंगल लेयर है आइडेंटिकल सेल्स की, एक ही लेयर है और सेल्स एक दूसरे के साथ शेप और साइज में मैच करते हैं, इनका न्यूक्लियस भी एक दूसरे के साथ ऑलमोस्ट मैच करता है बेसिकली। तो इनकी ये सिंगल लेयर है और ये आइडेंटिकल सेल्स हैं। सेकंड जो है हमारा वो है स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम। स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम जिस तरह सेवरल लेयर्स हैं, यहाँ पे आप तीन लेयर्स देख सकते हैं और वेरियस शेप्स, इसकी शेप कुछ और है, ठीक, इसकी शेप कुछ और है और इसकी कुछ और है, ये दोनों स्क्वायर शेप है और ये थोड़ा आप, ये आपका स्क्वायर शेप है, ये आपका जो है भी स्क्वायर शेप है बट इसका साइज चेंज है, और थर्ड वन जो है ये आपका रेक्टेंगुलर शेप है। ये जो है ये बेसिकली जिस चीज़ के साथ, मतलब जिस मेम्ब्रेन और लेयर के ऊपर ये जुड़े होते हैं एक दूसरे के साथ, उसको हम कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो इनका फंक्शन है एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन, और इनका जो है बेसिकली प्रोटेक्शन ऑफ अंडरलाइंग एपिथीलियम। दैट इज़ ऑल अबाउट टिश्यूज़। थैंक यू सो मच।